हेलो गाइस, मैं हूँ सुबह और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स अपडेट। स्पोर्ट्स के किसी भी अपडेट पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज मंडे राइड में क्या क्या हुआ वो इस वीडियो में जानेंगे, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले हमें रॉ पर ड्रू मैकइंटायर रिंग में आते हुए दिखे और वो पिछले मंडे नाइट रॉ पे जो ड्रू रैंडी ऑर्टन को क्लेमोर किक लगाया उसके बारे में बोल रहे और रैंडी ऑर्टन से वो फेस टू फेस मिलना चाहते थे, बट रैंडी ऑर्टन चोटिल होने के कारण वो आज मंडे नाइट पे नहीं हुआ। और तभी कीथ ली आकर चैम्पियनशिप मैच के दावेदारी पेश की। इसके बाद हमें स्ट्रीट प्रॉफिट और सीजारो एंड सिंगसे नाकामुरा की मैच देखने मिली और इस मैच में सीजारो और सिंगसे नाकामुरा को स्ट्रीट प्रॉफिट ने हरा दिया। फिर हमें गार्जा लाना के साथ बैक स्टेज में दिखे और वो एंड्रेटे साथ फ्यूट में जुड़ गए। इसके बाद हार्ड बिजनेस रिंग में आए और वो अलेक्जेंडर की ज्वाइन होने पर बात की। उन्होंने बोला अलेक्जेंडर उनके हार्ड बिजनेस पे ज्वाइन होके उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। इसके बाद अलेक्जेंडर और रिकोशेट के बीच मैच देखने मिली और इस मैच में बहुत ही ज़्यादा फ्यूट देखने मिली। वाइकिंग राइडर इंटरफियर किया, बॉबी लैशली ने इंटरफियर हमें देखने मिली और लास्ट में अलेक्जेंडर इस मैच में जीतते हुए दिखी। मैच जीतने के बाद जब हार्ड बिजनेस अपनी सेलिब्रेट कर रही थी तब हमें रेट्रीब्यूशन का हार्ड बिजनेस जब अपनी चैम्पियनशिप सेलिब्रेट कर रहे थे जीतने के बाद तब रेट्रीब्यूशन हमें देखने मिली। इसके बाद हमें निकी जेम्स और आस्का की रॉ वुमेन चैम्पियनशिप मैच देखने को मिली जो पहले से ही ऑफिशियली था। इस मैच में हमें बहुत ही ज़्यादा फ्यूट देखने मिली और एक्शन भी बहुत ही अच्छा ही था। आस्का ने एंड में आस्का के लॉक्स के साथ जीत गए। आस्का जीतने के बाद जब सेलिब्रेट कर रही थी तब जेलिना वेगा आके उन पे गाल पे एक स्लैम लगाए। इसके बाद बॉबी लैशली और वाइकिंग रेडर्स के और मैच सेट हो गया और इस मैच में बॉबी लैशली ने वाइकिंग रेडर्स को हरा दिया और वो जीत गए। इसके बाद हमें सेथ बैकस्टेज में देखने मिली और सेथ और मार्फी के बीच फ्यूड देखने मिली बैकस्टेज में। इसके बाद सेथ और डोमिनिक के बीच स्टील कैच मैच हुई जो पहले से ही तय किया हुआ था। स्टील कैच मैच हमें बहुत ही ब्रूटल होते हुए दिखा। स्टिंग कैंडो स्टिक यूज करते हुए दिखे और इस मैच में रिंग के पास डोमिनिक की पूरी फैमिली थी और मर्फी भी आ चुकी थी और लास्ट में सेथ रॉलिंग्स ने डोमिनिक को स्टॉप लगाया और मैच जीत गए। इसके बाद सेथ रॉलिंग्स ने मर्फी को समझाते हुए दिखे और जब वो समझने लगा तब सेथ रॉलिंग्स मर्फी को स्टील केज पर पटक दिया और वो वहाँ से चला जाता है। आज रॉ अंडरग्राउंड बहुत ही इंटरेस्टिंग था क्योंकि वहाँ पे ब्रॉन स्टोमैन आया था। ब्रॉन स्टोमैन, जिगलर और काफ़ी सारे बंदे के बीच फ्यूट लगा और ब्रॉन स्टोमैन ने सबको पटक डाला। इसके बाद हम वहाँ आते हैं आज की हुई रॉ की मेन इवेंट के मैच में, कीथ ली और ड्रू मैकइंटायर के बीच। अगर ये मैच कीथ ली जीतते तो कीथ ली के साथ ड्रू मैकइंटायर में क्लैश ऑफ चैम्पियन में चैम्पियनशिप मैच होने वाला था और मैच में हमें बहुत ही अच्छा एक्शन देखने मिला और मैच के दौरान हमें रेट्रीब्यूशन रिंग साइड पे देखने मिली। पहले रेट्रीब्यूशन आके ड्रू मैकइंटायर और कीथ ली को ढो डाला, फिर रॉ के बैकस्टेज से द हार्ड बिजनेस आते हुए दिखे और वो रेट्रीब्यूशन के साथ फ्यूड में जुड़ गए और एंड में कीथ ली और ड्रू मैकइंटायर ने रेट्रीब्यूशन को मार के भगा डाला। आज का मंडे नाइट रॉ पहले वाली रॉ से बहुत ही अच्छा था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।